अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज स्मरनास। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। वेल वेलकम बैक टू स्मरनास व्लॉग्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ऑल अबाउट हाइलुरोनिक एसिड के बारे में। आई नो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी हाइलुरोनिक एसिड के बारे में जानते हैं, बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाइलुरोनिक एसिड के बारे में कुछ भी नहीं जानते। एसिड एक ऐसी चीज है, एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में एक फैशन बन के रह चुकी है। विल यू बिलीव, आजकल आप मार्केट में जाते हो, जो भी चीज, जो भी प्रोडक्ट, सच एज अ मॉइस्चराइजर या आप कोई ऑयल स्किन पर अप्लाई करने वाला उठाते हो ना, तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड जरूर लिखा होता है। व्हाई? बिकॉज कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि जी हाइलुरोनिक एसिड आपको गोरा करता है। इज दैट ना? आई डोंट थिंक सो। वेल कीप वॉचिंग, आई लेट यू नो कि हाइलुरोनिक एसिड क्या है और इसके क्या फंक्शन है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये समझ लेते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड होता क्या है। यार ये बला कौन सी है? हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा सीरम होता है, और ऐसा आपके आसान लफ्जों में अगर बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा पानी है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। हाइलुरोनिक एसिड की ज़्यादातर अगर आपको मैं बताऊं कि वो किस तरह का होता है, ये स्टिकी टाइप का होता है। आपकी आंखों में, अगर आप आंखों को टच करो, इसे नहीं करना चाहिए। आजकल तो बिल्कुल कोरोना में नहीं करना। सो अगर आप अपनी आंखों को टच करते हो, एक स्टिकी सा जो पानी आपको फील होता है ना, एक्चुअल में वो हाइलुरोनिक एसिड है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। हाइड्रेट रखने से मुराद ये है कि आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी स्किन जो है वो आपको खुरदरी सी या फिर ड्राई सी फील होती है, तो वो डिहाइड्रेशन हो रही होती है आपकी स्किन में। अब मोस्टली लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी हाइड्रेशन मीन्स ऑयली स्किन। नो, फॉर गॉड सेक, इसको समझना है कि ऑयली स्किन इज टोटली डिफरेंट थिंग एंड हाइड्रेटेड स्किन इज टोटली डिफरेंट। आपकी हाइड्रेटेड स्किन होती है ना, इट मीन्स कि आपकी परफेक्ट स्किन है, आपकी स्किन हेल्दी है। जो हेल्दी स्किन है उसको नाम दिया जाता है जी हाइड्रेटेड स्किन का। अब हम बात करेंगे कि ये जो आपका है हाइलुरोनिक एसिड, ये क्या करता है। एक्चुअली इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। सच जो सबसे ज़्यादा ये मार्केट में पाया जाता है, किस वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है, एक्चुअली इट रियली वर्क्स फॉर एंटी एजिंग, फॉर रिंकल्स। यू नो जब लोगों को रिंकल्स पड़ जाती हैं, आप एज करना स्टार्ट करते हो। आई वॉन्ट से दैट कि जब आप बूढ़े होना स्टार्ट होते हो, नो जी, मुझे ये नहीं कहना। जब आप एज करते हो ना, तो एज करने के साथ साथ आप ऑब्जर्व करते हो कि आपकी आंखों के यहाँ पर आपको पता है आपको रिंकल्स आ जाते हैं, फिर एज के आसार नमूदार होना शुरू हो जाते हैं आपके फेस पे, फिर लव लाइन्स पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। ऑल दैट उनको, उनके लिए काफ़ी ये मुफीद साबित हो जी। तो जो हाइलुरोनिक एसिड है, इसके अलावा रिंकल्स एंड एंटी एजिंग पर काबू पाने के अलावा इसके जो फंक्शन है वो ये भी है कि जख्म, अगर आपकी बॉडी पर कोई जख्म हो जाता है, कोई कट लग जाता है, तो उसको हील करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। यू कैन सी दैट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो PRP और माइक्रो नीडलिंग्स की तरफ जाते हैं। आई एम वन ऑफ देम। सो हम लोगों को डॉक्टर्स जो चीज़ सुजेस्ट करते हैं वो हाइलुरोनिक एसिड ही होती है। जख्म को जल्द अज जल्द हील करने के लिए परफेक्ट माना जाता है इसको। अब हम बात ये कर लेते हैं कि जी मार्केट में इसकी कितनी काइंड्स अवेलेबल हैं। सी दैट इसकी ये बहुत सारी काइंड्स में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है जी आपका सप्लीमेंट्स की काइंड्स में, आप इसको खा सकते हो। फिर इंजेक्शंस की फॉर्म में आता है, आप बहुत सारे लोग अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा रहे होते हैं इसको। उसके बाद फिर आ जाती है बाद ये सीरम की फॉर्म में भी है। सीरम के अलावा ये क्रीम्स फॉर्म में आता है। क्रीम्स के अलावा ये मॉइस्चराइजर की फॉर्म में भी आता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे मॉइस्चराइजर्स हैं जो 2-in-1 होते हैं, यानी वो मॉइस्चराइजर का काम भी कर रहे होते हैं और एट द स्पॉट ही वो हाइलुरोनिक सीरम भी उनमें होता है। सो वो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर जी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग इस सीरम को यूज़ कर सकते हैं, ये जो हाइलुरोनिक एसिड है कौन कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है। वेल, इसको हर तरह के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 25 की एज से लेके 25 के बाद आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आप इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आप इसको कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सुबह इस्तेमाल करें, दोपहर को करें, या शाम को करें, या रात को करें। इट टोटली डिपेंड्स, आपकी अपने ऊपर डिपेंड कर। जैसे आई गो टू वर्क, मैं सुबह काम पे जाती हूँ और मैं शाम के वक्त इजी होती हूँ। सो अब मुझे इसको जब अप्लाई करना होता है तो मैं एक दफ़ा सुबह करती हूँ, फिर मैं उसके ऊपर सनब्लॉक लगाती हूँ, अपना सनस्क्रीन आई मीन लगा लेती हूँ। सनब्लॉक की तो कंप्लीट छुट्टी है जी, मेरी वीडियो सनब्लॉक वाली अब जरूर। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि जी
क्या ऑयली स्किन वाले इस सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं. पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन सी फॉर्म में आता है. देखिए, मैंने आपको बता दिया कि ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, सप्लीमेंट्स आती हैं इसकी जो आप ऑरली ले सकते हो, उसके बाद ये क्रीम्स की फॉर्म में आता है, मॉइस्चराइजर, सीरम. तो बात ये है कि क्या ऑयली स्किन वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं. हाइड्रेटेड स्किन इज डिफरेंट, ऑयली स्किन इज डिफरेंट. सो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें. दिन में एक से दो दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और बाकी जो बात हम लोगों ने की कब इस्तेमाल करना है, सुबह शाम, दिन में दो दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं. और अब बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मली पूछा जाने वाला है कि हाइलुरोनिक एसिड को लगाने के कितने अरसे के बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. सी, ये कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं है कि रात को लगाया सुबह को आपके रिंकल्स गायब. नो, ऐसा नहीं होने वाला. एटलीस्ट एक महीना ज़रूर लगता है आपको आपके रिंकल्स को गायब करने में, लॉफ लाइन्स का पड़ जाना एंड ऑल दैट. सो यस, एक महीना जरूर. जी, तो अब हम बात करेंगे कि हेलरोनिक एसिड का इस्तेमाल किस तरह करना है. सबसे पहली बात यह है कि आपने अपना फेस वेट करना है, धो लेना है. धोने के बाद अपना फेस अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद अब आपने उसको थोड़ा थोड़ा, आपका फेस जब गीला है तो तभी आपने इसको अप्लाई करना है. ड्राई फेस के ऊपर आप कभी इसको अप्लाई मत करें. ये ना हो कि ड्राई फेस पे अप्लाई करते जाएं और बजाय फवाद के नुकसान होते जाएं. मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ये सीरम लिया और इस सीरम को उन्होंने अप्लाई किया जी अपना फेस ड्राई करने के बाद, तो उनको पैचेस बनना शुरू हो गए, ड्राई होना शुरू होगी स्किन. क्यों? क्योंकि जो आपकी स्किन के अंदर का मॉइस्चर था, जो पानी था आपकी स्किन के अंदर, ये तो फिर उसको भी ख़त्म कर देगा. जहाँ इसके फ़वायदे हैं वहीं उसके नुकसान भी हैं, लेकिन अगर आप इसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली आपको फ़वायद ही मिले. दो डिफरेंट तरह की क्वालिटी के सीरम्स हैं जो कि हेलरोनिक एसिड है. ये जो है ना, इसको मैंने इस्तेमाल कर लिया. सी, इट्स कम्प्लीटली फिनिश्ड. इसमें से अब कुछ नहीं निकलने वाला. ये फिनिश हो गया. ये मेरी बॉटल, ये जो थी ना, ये मेरी चली अबाउट 6 weeks, 6 हफ्तों तक. इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, मेरे ख्याल से 1500 और 1400. उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास वो ये वाला है. राइट नाउ आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ. अब करना ये है कि जब आपने फेस वॉश कर लिया, फेस वॉश करने के बाद आपने इसको लेना है इस तरह पंप में एंड ये आपने करना जी यूज़. सो आपने ये 100% आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाते हैं माशाल्लाह से. और टू बी ऑनेस्ट, इसको लगाने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर भी आप एक मॉइस्चराइजर, एक अच्छे मॉइस्चराइजर की तलाश में रहें और ट्राई करें कि वो डर्माटोलॉजिकली किसी अच्छे से डर्माटोलॉजिस्ट से लिखवा लें और फिर ही उसको इस्तेमाल करें. सो yes, nowadays I'm using this one and it really works. बहुत अच्छा है this one. and जी, ये हो गया हमारा इस्तेमाल. मार्केट में इस तरह के बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं जो 2-in-1 का काम करते हैं. आप चाहें तो उनमें से भी किसी को. अब हेलुरोनिक एसिड को लेकर एक और बहस जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो ये है कि कुछ डॉक्टर्स का, कुछ डर्माटोलॉजिस्ट का कहना ये है कि हेलुरोनिक एसिड स्किन के ऊपर के लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि इसकी जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स इसके छोटे साइज के होते हैं. जो छोटे साइज के होते हैं वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब कर जाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्किन के ऊपर ही रह जाते हैं, लिहाजा नो पॉइंट. लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ डर्माटोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो जिनका दावा ये है कि यस, इट वर्क्स अगर आप इसको ऊपर से लगाएं. तो जर सी बात है, हेलुरोनिक एसिड हमारी बॉडी में अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली प्रोड्यूस होने वाली एक चीज़ है. ये शुगर की तरह का होता है. सो इट वुड बी बेस्ट कि अगर हम अपने डाइट को अच्छा, हम हेलुरोनिक एसिड ऊपर से लगाने की बजाय इनटेक करें, सच सप्लीमेंट्स की बजाय अगर हम अपने डाइट को ठीक करें और हमारी स्किन जो है वो ग्लो करे. इसके साथ ही साथ जो हमारे रिंकल्स का इशू है, लॉफ लाइन्स का इशू है, एंटी एजिंग का इशू है, वो सब खत्म हो जाए. करना क्या है कि कौन सी ऐसी डाइट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो डेफिशेंसी एज के साथ साथ आ जाती है वो ख़त्म हो सकती है. सो आपको कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो मैं मेंशन करने जा रही हूँ, सच एज ग्रीन लीव्स, जो ग्रीन पत्तों वाले ग्रीन लीव्स, वो कैन आई कॉल इट, यस, वेजिटेबल्स हैं जो आप उनका इस्तेमाल करें.
और इसके अलावा आप बनाना, यस बनाना में बहुत ज़्यादा जो है वो हेलरोनिक एसिड पाया जाता है। इसके साथ ही साथ ऑरेंज जूस है, ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट के अलावा यू कैन गो अहेड विद द नट्स। रोज आप एक मुट्ठी भरकर, मुट्ठी मुट्ठी मीन्स दिस वन मुट्ठी, इतनी सी, ना कि इतनी सी नहीं खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, इवन मैं भी उन्हीं में से एक थी, कि बहुत ज़्यादा नट्स का खाना, वक्त तो टेस्ट होते हैं लेकिन बाद में मसाले भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। एनीवे ओके, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो कीप सपोर्टिंग मी, वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स टुडे, इट इज़ फॉर द बॉयज़ एज वेल। हर किसी को चाहिए कि अपनी लुक आफ्टर करे। अल्लाह पाक ने हमें स्किन दी है, सो उसका ख्याल भी हम लोगों ने रखना है। सो दुआ में याद रखिएगा, कीप सपोर्टिंग मी, लव यू लॉट्स, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।